टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, लेकिन वो कौन से चार युवा खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 में जगह लेने वाले हैं, वो कौन से चार खिलाड़ी हैं जो इन बड़े स्पॉट्स को फिल इन करने वाले हैं, किन खिलाड़ियों के रास्ते अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खुल चुके हैं, और 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो कौन होने वाले हैं टीम इंडिया के नए ओपनर्स टी20 फॉर्मेट में, उसके चार जो दावेदार हैं, उन चार दावेदारों के बारे में बात कर लेते हैं। चार बड़े दावेदारों में सबसे पहला नाम है यशस्वी जायसवाल का। ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तो थे, लेकिन मुकाबला कोई एक भी नहीं खेल पाए क्योंकि ये बैकअप ओपनर के तौर पर टीम के साथ गए हुए थे। जिस प्रकार यशस्वी जायसवाल ने 2023 में हुए अपने डेब्यू के बाद लगातार शानदार क्रिकेट खेला है, इनके टी20 के आंकड़े चढ़कर बोल रहे हैं, तो ऐसे में यह बात पक्की है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली में से एक जगह तो जो है वो यशस्वी जायसवाल को मिलने वाली है। तो ये हो जाते हैं हमारे पहले दावेदार। बात कर लेते हैं दूसरे दावेदार की। जायसवाल के बाद दूसरे दावेदार हो सकते हैं शुभमन गिल। अगर हमें याद हो तो इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ जो तीन रिजर्व खिलाड़ी गए थे, उन रिजर्व खिलाड़ियों में शुभमन गिल का नाम भी शुमार था। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल, जो कि आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभालते हैं, शुभमन गिल की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो उन्होंने 2022 के आईपीएल में ऑरेंज कैप को भी अपने नाम पे किया था। तो ऐसे में इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं शुभमन गिल आपके लिए एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, जो हो सकते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के ओपनर। सबसे ज्यादा दिलचस्पी यही होने वाली है कि जायसवाल और गिल तो एक ऑटोमेटिक चॉइस में कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा नाम कौन होने वाले हैं इस लिस्ट के। तीसरे नाम में सबसे पहले नाम आएगा अभिषेक शर्मा का। जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस आईपीएल के सीजन में ताबड़तोड़ पारियों की शुरुआत की है अभिषेक शर्मा ने, यह भी भारतीय क्रिकेट टीम के काफी खूबसूरत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जो पारी की शुरुआत कर सकते हैं, और अभिषेक शर्मा की अग्रेसिव बैटिंग उन्हें इस एक पोजीशन का प्रबल दावेदार भी बनाती है। 6 जुलाई से शुरू होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी अभिषेक शर्मा को बीसीसीआई ने स्क्वाड के अंदर मौका तो दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं चौथे दावेदार की। चौथे दावेदार की लिस्ट में नाम होने वाला है अब यहां ऋतुराज गायकवाड़ का। चेन्नई सुपर किंग्स में आईपीएल की कप्तानी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को अक्सर अपनी धीमी शुरुआतों के लिए क्रिटिसाइज कहीं ना कहीं किया जाता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें, इन्हीं की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड का खिताब भी अपने नाम किया था, और बीते कुछ आईपीएल सीजंस में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ऑरेंज कैप का खिताब जीता हुआ है। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ भी एक काफी प्रोबेबल प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह लेंगे भारत की टी20 स्क्वाड में बतौर ओपनर्स, क्योंकि नंबर 3 पर ऋषभ पंत, 4 पर सूर्य कुमार यादव, उसके बाद मोस्ट लाइकली टीम आपकी सेम ही रहने वाली है। कुछ बदलेगा तो आपके ओपनर्स बदलेंगे। अमूमन एक 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड में 3 ओपनर होते हैं, 2 जो खेलते हैं और 1 होता है बैकअप की लिस्ट में। तो ऐसे में जो 4 नाम है, इसमें से 3 नाम तो आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, जायसवाल, गिल, गायकवाड़, अभिषेक। आपके हिसाब से इन चारों में से कौन से वो 3 नाम होने चाहिए जिनकी जगह होनी चाहिए स्क्वाड में कंफर्म 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए। दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।